हेलो स्टूडेंट्स, क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम समझेंगे क्लास 11 का ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन, जिसमें हम लोग समझेंगे आज के थ्योरम में कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल हम लोग समझ पाएंगे तभी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट कर पाएंगे। और एक कंपाउंड एंगल होता क्या है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संयुक्त, संयुक्त कोण। और भी हम लोग एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 में हम लोग ट्रायग्नोमेट्री का ऑल थ्योरम हम लोग समझ चुके हैं। अब बचा हुआ थ्योरम क्या, कंपाउंड एंगल एंड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। अभी कंपाउंड एंगल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला क्या होता है वो समझो। तो कंपाउंड एंगल हम लोग कहेंगे, कंपाउंड एंगल कहते हैं कि यदि ए और बी, यदि ए बी और सी तीन कोण है, कितना तीन कोण है, तब तब ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी, ये सब क्या कहलाता है, सब कंपाउंड एंगल कहलाता है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं यदि दो या दो से अधिक कोण को प्लस या माइनस चिन्ह के साथ लिखा होता तो क्या कहलाता, कंपाउंड एंगल कहलाता है। क्या कंपाउंड, कंपाउंड एंगल हम लोग क्या कहेंगे, यदि दो या दो से अधिक कोण को प्लस या माइनस चिन्ह के साथ लिख देते तो क्या कहलाता है, ये सब कंपाउंड एंगल कहलाता है। अभी कंपाउंड एंगल हो गया, अब हम लोग समझेंगे टू टाइप कंपाउंड एंगल, दो प्रकार का होता है। इसको लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स, टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल कितना प्रकार के, तो दो प्रकार है कंपाउंड एंगल। इसको हिंदी में बोलेंगे संयुक्त कोण, कितने प्रकार के होते, दो प्रकार के होते। पहला होता है एडिशन फॉर्मूला, एडिशन फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एंगल, एडिशन फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एंगल। एडिशन फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एंगल क्या होता है वो समझते हैं। एडिशन फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एंगल को हिंदी में बोलेंगे संयुक्त कोण का योग सूत्र, संयुक्त कोण का योग सूत्र। संयुक्त कोण का योग सूत्र क्या होता है ना, ये सबसे पहले पहला फॉर्मूला देखो, एडिशन फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। एडिशन फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एंगल में रहेगा ए प्लस बी, ए दिया हुआ है क्या ना, ये दो एंगल दिया हुआ ए और बी, और इसके साथ लग गया है साइन। अब साइन ए प्लस बी पूछा जाएगा, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू में कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस cos a into sin b, ये फॉर्मूला आता है। तो फिर से रिपीट करेंगे, sin a, sin a plus b का फॉर्मूला क्या, sin a into cos b plus cos a into sin b। अब ये दूसरा कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला देखो, अब cos रह गया cos a plus b, क्या cos a plus b, तो cos a plus b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो cos a into cos b हो जाएगा। फिर से रिपीट, cos a plus b का फॉर्मूला क्या, cos a into cos b, अब माइनस होता है क्या, माइनस साइन ए इंटू साइन बी होगा। अब थर्ड देखो कंपाउंड एंगल का, टेन ए प्लस बी रहेगा, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टेन ए अब प्लस में टेन बी, अब बचा में वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ये फॉर्मूला होता है इसका, टेन ए प्लस बी का। तो ये टेन ए प्लस बी हो गया। अब देखो फोर में, फोर में क्या आएगा ना, कॉट ए प्लस बी होगा, क्या कॉट ए प्लस बी, तो कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉट ए इंटू में कॉट बी, अब माइनस वन बटा में कॉट बी, कॉट बी अब प्लस में कॉट ए। एक चार फॉर्मूला क्या होता है ना कंपाउंड एंगल में, हम लोग को याद रखना पड़ेगा एडिशन फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एंगल क्या होता है, साइन ए प्लस बी बराबर, रीजनिंग करो साथ में रीजनिंग करना पड़ेगा, साथ में रीजनिंग करो क्या, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी और क्या, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और सेकेंड रीजनिंग करो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी क्या, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब टेन ए प्लस बी रीडिंग करो, tan a plus tan b बटा 1 minus tan a into tan b ये होता है। अगर cot a plus b पूछे तो क्या बोले, cot a into cot b minus 1 बटा cot b plus cot a, ये हो गया क्या, addition formula of compound angle। इसको note करो, हम लोग समझते क्या ना, subtraction formula of compound angle दूसरे टाइप का। एक first टाइप का हो गया क्या, addition formula of compound angle, तो note करो इसको जल्दी से, note हो गया। तो देखो अगला सेकंड फॉर्मूला हो जाएगा सब्ट्रैक्शन।
सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एंगल, सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एंगल। अब सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एंगल क्या होता है तो समझते, इसको हिंदी में बोलेंगे क्या ना, संयुक्त कोण का अंतर, अंतर सूत्र। अभी संयुक्त कोण का अंतर सूत्र क्या होता है ये समझेंगे। बस ये जो एडिशन फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एंगल जिनको याद है वो क्या ना, सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एंगल भी याद होगा। देखो अब पहला फॉर्मूला क्या हो जाएगा ना, यही फॉर्मूला a प्लस बी के जगह पर क्या हो गया, a माइनस में बी हो गया। क्या हो गया, a माइनस बी, साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी क्या हो जाएगा, साइन a इंटू में कॉस बी। अब माइनस होता क्या होता है, माइनस कॉस a इंटू साइन बी होगा। अगला देखो सर्किल में, अब कॉस a माइनस बी रहा तो cos a माइनस बी क्या होता है फॉर्मूला, cos a इंटू कॉस बी, अब प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस के बाद क्या होता है प्लस बी, और sin a, sin a इंटू साइन बी, ये हो गया इसका अब cos a माइनस बी का। तीसरा देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा ना, तीसरा में tan, tan a माइनस बी रहा, क्या tan a माइनस बी, tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a अब प्लस में tan सॉरी माइनस tan b अब बटा में वन माइनस tan a इंटू tan b, ये होता है किसका, tan a माइनस बी का। चौथा फॉर्मूला में हम लोग देखेंगे cot a माइनस बी, तो cot a माइनस बी का फॉर्मूला होता है cot a इंटू में cot b अब माइनस अब प्लस वन बटा में cot b अब माइनस में cot a, ये फॉर्मूला होता है किसका, cot a प्लस b। तो हम लोग समझ गए ना सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एंगल और एडिशन फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एंगल, ये हम लोग को याद रखना पड़ेगा तब हम लोग समझ पाएंगे क्या एडिशन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एंगल। तो हम लोग समझ गए एडिशन कंपाउंड एंगल क्या होता है, अब कंपाउंड एंगल पे डिपेंड करेगा क्या ना ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, इसको नोट करते और इसमें दो फॉर्मूला और एक्स्ट्रा में मिलता है इसको हम लोग लर्न कर रहे थे, जल्दी से नोट करो, नोट हो गया, तो ये नोट हो गया ना, तो इसको क्या ना यहाँ से लर्न कर लेते राइट, ए रफ क्या लिखा है, देखो ए रफ हो गया। अब एक ना एक हम लोग दो फॉर्मूला और समझना होता है, साइन ए प्लस बी इंटू इंटू साइन ए माइनस बी रह गया, ए बी क्या था कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस बी साइन स्क्वायर बी, ये फॉर्मूला होता है। और इसी में एक और cos a माइनस बी इंटू में cos a प्लस बी फॉर्मूला रहा, पहले प्लस और माइनस इस तरीके से फॉर्मूला रहा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस में sin स्क्वायर b, ये फॉर्मूला होता है कब, जब cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी रहेगा तब। तो हम लोग इसमें कंपाउंड एंगल में फॉर्मूला याद रखना होता है, तो हम लोग समझ गए कंपाउंड एंगल क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, तो इसको रफ करते तो ये ना यहाँ से रफ कर लेते, और अब हम लोग समझेंगे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला क्या देखो अब हम लोग समझेंगे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला जिसको हम लोग बोलते हैं ना परिवर्त सूत्र। अब ये परिवर्त सूत्र क्या होता है, परिवर्त सूत्र ना ध्यान से समझना होगा, परिवर्त सूत्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, फॉर्मूला होता है और इसके बहुत सारे एग्जाम बनता है। अभी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला को हम लोग को बनाने से पहले हम लोग को फिर से रिपीट रखना पड़ेगा कंपाउंड एंगल, तभी ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला हम लोग बना पाएंगे और याद हो पाएगा। याद करने के लिए मतलब हम लोग को ध्यान रखना होता है कंपाउंड एंगल, तो पहला हम लोग क्या ना कंपाउंड एंगल पढ़े साइन ए प्लस बी, नहीं साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हुआ, साइन ए इंटू में कॉस बी और प्लस में कॉस ए इंटू में साइन बी, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब साइन ए माइनस बी हम लोग पढ़े नहीं, साइन ए माइनस बी क्या फॉर्मूला पढ़े, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, इसको समीकरण क्या समझने सके। और कंपाउंड एंगल हम लोग को ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला का देखो पहला फॉर्मूला निकाल रहे हैं कंपाउंड एंगल से, ये दोनों किसका लिख दिए कंपाउंड एंगल का, अब ये दोनों को ना जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दो, तो ये ना यहाँ पे ऐसे लिख देते इक्वेशन फर्स्ट प्लस में सके ना, ये दोनों इक्वेशन को जोड़ो, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा,
साइन ए प्लस बी, अब प्लस में साइन ए माइनस में बी बराबर, कि जोड़ेंगे तो क्या होगा ना, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो क्या बचेगा, बच जाएगा टू साइन ए, दोनों सेम है, टू साइन ए इंटू कॉस बी। तो ये पहला फॉर्मूला हो गया किसका, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला का। तो ये ना साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, और क्या होता है टू साइन ए इंटू कॉस बी, ये क्या कहलाएगा, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। फिर अब क्या कर दो, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दीजिए, अब ये दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए, सेकेंड को घटा दीजिए किसमें, फर्स्ट में, ये क्या आ जाएगा साइन ए प्लस में बी, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा साइन ए माइनस में बी, तब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे घटाएंगे तो ए माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये कट जाएगा, ये बच जाएगा, तो एक कितना हो जाएगा, दो, तो टू कॉस ए इंटू साइन बी, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया किसका, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला का। तो हम लोग समझ गए ना ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला दो, अब ये तो हम लोग समझ गए। अब देखो यहाँ पे, अब फिर से अब ये ना दो फॉर्मूला और निकालते, कॉस ए प्लस बी राइट, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या पड़े, कॉस ए इंटू में कॉस बी और माइनस में साइन ए इंटू साइन बी, एक फॉर्मूला पड़े, इसको समीकरण फर्स्ट समझ ले, और कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी का क्या क्या अभी फॉर्मूला पढ़े जरा बताओ, हम लोग पढ़े कॉस ए इंटू में कॉस बी, ए पढ़े, फिर ना यहाँ पे प्लस हो जाएगा साइन ए इंटू में साइन बी, एक फॉर्मूला पढ़ा गया, इसको समझ ले समीकरण क्या, फोर। अभी चल दो इक्वेशन थर्ड प्लस में फोर, अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कॉस ए प्लस बी और प्लस में कॉस ए माइनस बी, ये दोनों इक्वेशन को क्या करें ना, जोड़ दें, तो जोड़ेंगे तो क्या कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा टू कॉस ए, टू कॉस ए इंटू में कॉस बी, ए बच जाएगा नहीं, टू कॉस ए इंटू कॉस बी, ये तीसरा फॉर्मूला निकल गया इसका, कंपाउंड एंगल का, समझ रहे, कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी, क्या होता है टू कॉस ए इंटू कॉस बी। अब ये क्या कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट माइनस में सॉरी थर्ड माइनस में फोर, अब इक्वेशन थर्ड और फोर को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, कॉस ए प्लस में बी माइनस में कॉस ए माइनस में बी, सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए माइनस और ये क्या हो जाएगा, माइनस कट जाएगा, ठीक है, इन सॉरी ए प्लस और ए माइनस, ए कटेगा और ए माइनस माइनस जुड़ जाएगा, क्या लिख देंगे माइनस टू साइन ए इंटू में साइन बी, ये आ गया जी, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो क्या कर दो ना, इससे माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाला टर्म क्या हो जाएगा, प्लस कॉस ए माइनस बी और प्लस माइनस प्लस वाला माइनस हो जाएगा, कॉस ए प्लस में बी बराबर बराबर है, और ये हो जाएगा माइनस में टू साइन ए इंटू में साइन बी, साइन बी, और ये माइनस माइनस को क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए, ये हो जाएगा कॉस ए माइनस में बी और माइनस में कॉस ए प्लस में बी बराबर में टू साइन ए और इंटू में क्या लिख सकते हैं साइन बी। तो ये हो गया फोर्थ फॉर्मूला किसका, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला का, ट्रांसफॉर्मेशन का क्या फॉर्मूला हो गया, चार फॉर्मूला हो गया, फिर से एक बार रिपीट करो ध्यान देंगे, पहला क्या ना साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, क्या होता है टू साइन ए इंटू कॉस बी, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी क्या होता है टू कॉस ए इंटू साइन बी, अब देखो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी क्या होता है टू कॉस ए इंटू कॉस बी, फिर कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी क्या टू साइन ए इंटू साइन बी, ये कितना फॉर्मूला, चार फॉर्मूला। अब इसी चार फॉर्मूला से और चार फॉर्मूला निकलेगा ट्रांसफॉर्मेशन का, तो हम लोग समझ गए, तो ये हो गया, इसको रफ कह लेते हैं राइट, यहाँ से रफ कह लेते हैं, तो इसको जल्दी से नोट करो, क्या नोट हो गया जल्दी से, अब ना यहाँ पे एक फॉर्मूला नंबर को अब और चार फॉर्मूला बनाने के लिए, अब देखो ये पहला ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है, इसको समीकरण फर्स्ट समझ ले, इसको सेकेंड और इसको ना थर्ड फिर से, और इसको क्या ना फोर्थ फिर से समझ ली, और ए लिख लो यहाँ पे साइन ए प्लस में बी और प्लस साइन ए माइनस बी, ध्यान रखेंगे साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी बराबर क्या
साइन ए इनटू में कॉस बी, इसको समीकरण फर्स्ट समझिए। अभी दूसरा फॉर्मूला लिख लीजिए, साइन ए प्लस में बी माइनस साइन ए माइनस में बी बराबर क्या फॉर्मूला आया जरा बताओ, टू कॉस ए इनटू में साइन बी, ये आया समीकरण, इसको क्या समझ लिए सके ना, इसको रख क्या लेते हैं इतिहास। अब देखो, अब एक थर्ड फॉर्मूला लिख दीजिए, यहाँ पे कॉस ए अपमान प्लस में बी अब प्लस में कॉस ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला हुआ जरा बताओ, टू कॉस ए इंटू में कॉस बी, ये फॉर्मूला हुआ, इसको समीकरण थर्ड समझ लो। और ये लिख दीजिए, कॉस ए माइनस बी अब प्लस माइनस माइनस कॉस ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला होता है जरा बताओ, टू साइन ए इंटू में साइन बी, ये फॉर्मूला समीकरण, इसको क्या मान ले फोर। अब देखो इस चार फॉर्मूला से चार और फॉर्मूला हम लोग को मिलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला ही कहलाता है। अभी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला कैसे होता है ध्यान देंगे, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला और चार फॉर्मूला निकालने के लिए यहाँ पे लेट कर दीजिए, ए प्लस बी बराबर क्या सी, ए मान लीजिए, क्या मान लेंगे ए प्लस बी बराबर सी मान लो, और इसको समीकरण क्या समझ लीजिए फर्स्ट, फिर ए माइनस बी बराबर डी मान लीजिए, ए माइनस बी बराबर क्या डी, और इसको समीकरण हम लोग समझ लेंगे सेकेंड, समझ लेंगे। और अब इसको हल कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट एंड क्या से सेकेंड से, इक्वेशन फर्स्ट लिख दो ए प्लस बी बराबर सी, समीकरण फर्स्ट, और ए माइनस बी बराबर में डी, समीकरण सेकेंड। अब दोनों को हल कर दो तो जुड़ जाएगा, तो क्या आएगा, टू ए बराबर में सी प्लस डी, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, यहीं लिख लेते हैं, तो एक क्या आ जाएगा ना, ए बराबर सी प्लस डी बाई टू निकल गया, एंगल ए निकल गया, ए का वैल्यू क्या आएगा सी प्लस डी बाई टू। अब एक क्या कर दो, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट क्या है ए प्लस में बी इक्वल टू सी फर्स्ट, अब ना यहाँ लिख लो ए माइनस में बी इक्वल टू बी, समीकरण सेकेंड, और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो माइनस प्लस माइनस ए सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ए कट जाएगा तो क्या बचेगा, टू बी इक्वल टू सी माइनस में बी, तो बी इक्वल टू क्या हो गया सी माइनस डी बाई टू, तो एंगल ए इक्वल टू सी प्लस डी बाई टू कर सकते हैं, एंगल बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सी माइनस डी बाई टू। अब ये चल दीजिए समीकरण की स्टेप फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट क्या है, अब ना यहाँ पे फॉर्म पुट कर दो, साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी के जगह पे क्या ना ए प्लस बी बराबर क्या लेट कर चुके सी सी, और प्लस प्लस साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी को क्या मान चुके हैं डी डी बराबर बराबर टू साइन ए, ए का भी रख दो, ए बराबर क्या सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस कॉस बी, बी का वैल्यू रख दो क्या सी माइनस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू आ गया, तो ये क्या ना ये फॉर्मूला नंबर फाइव आ गया, कौन सा फॉर्मूला नंबर, पांचवा फॉर्मूला ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला आ गया। अभी चल देंगे समीकरण किससे सकेंड, समीकरण सकेंड, सकेंड में भी क्या ना सी का ए सी और इसका वैल्यू रख दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन सी माइनस साइन डी, यहाँ सी और ए डी और ए को ले साइन सी माइनस साइन डी, तो क्या हो जाएगा टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू में साइन सी माइनस डी बाई टू। देखो यहाँ पे क्या ना टू को रहने दिए, ए का वैल्यू पुट कर दिए और बी का वैल्यू पुट कर दिए, सॉरी और यहाँ यहाँ इसमें देखो ए का वैल्यू क्या ना सी प्लस डी, बी का वैल्यू सी माइनस डी बाई, तो ये फॉर्मूला नंबर क्या हो गया ना चौथा पांच छठा फॉर्मूला नंबर हो गया ट्रांसफॉर्मेशन का। अब चल देंगे समीकरण किससे थर्ड से, थर्ड में वैल्यू रख दो, थर्ड में क्या ना थर्ड ए है, थर्ड यहाँ पे कॉस सी प्लस में कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या हो जाएगा टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ये हो गया, तो ए फॉर्मूला नंबर हो गया क्या सेवन, फॉर्मूला नंबर सेवन। अब चल देंगे समीकरण, समीकरण की स्टेप फोर से,
फोर में रख दो क्या ना ए वाला वैल्यू, फोर में तो क्या हो जाएगा ना कॉस ए ए माइनस बी, ए माइनस बी का वैल्यू, ए माइनस बी का वैल्यू डी डी, और माइनस माइनस कॉस कॉस सी बराबर बराबर टू टू साइन सी प्लस डी बाई टू टू इंटू में साइन सी माइनस डी बाई टू ए आ गया। अब देखो यहाँ पे डी माइनस यही हो गया क्या ना फॉर्मूला, तो ये ना आपका ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला हो गया। तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला कितना होता है, आर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला को ऐसे भी लिखा जाता है कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी क्या टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, क्या इसको लिख सकते डी माइनस सी बाई टू, सी बाई टू इस तरीके से। अब यहाँ डी माइनस सी है ना, डी माइनस सी को लिख दो साइन कॉस सी माइनस कॉस डी, तो यहाँ चेंज हो जाएगा डी माइनस सी माइनस डी है तो क्या हो जाएगा डी माइनस सी। हम लोग को फॉर्मूला ए याद रखेंगे राइट, ए हो तो ए हो गया ना, ए कैसे हुआ यहाँ से माइनस कॉमन ले ली, यहाँ से माइनस कॉमन ले, तो माइनस माइनस कट कर ही आता है। तो हम लोग को ना इतना फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ए ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला का चार फॉर्मूला, और ए हम लोग को इस चार फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, तब हम लोग ना ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला कंप्लीट कर पाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला दो टाइप का फॉर्मूला हम लोग कंप्लीट किया आज की क्लास में। पहला क्या, पहला तो हम लोग पढ़े कंपाउंड एंगल, कंपाउंड एंगल क्या होता है, फिर हम लोग समझे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, और ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला कंप्लीट कर लिए। तब हम लोग अब एक्सरसाइज हम लोग समझेंगे 3.3, तो 3.3 हम लोग क्लास समझेंगे, कल क्लास में देखेंगे। आज के क्लास इतना ही तक, थैंक यू स्टूडेंट, सुबह फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय स्टूडेंट, नोट कर इसको।